अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। निशिकांत दुबे जी, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए सर। संविधान जब बना तो संविधान की धारा 105 और 105(2) वो ये कहती है कि सदन में जो भी चर्चा होगी उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर होगी और कोई भी सदस्य बिना किसी भय और पक्षपात के अपनी बातें रखेगा। लेकिन जिस वक्त ये 105 आर्टिकल बना सर, उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था और उस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं था और इस कारण से अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, कल मैं जीडीपी पर चर्चा कर रहा था और जीडीपी पर चर्चा करते हुए जिन्होंने जीडीपी बनाया, साइमन कटलेज 1934 में, उनकी जो है मैंने रिपोर्ट कोट की कि वो खुद ही अपने जीडीपी से संतुष्ट नहीं है और पूरी दुनिया में इसके ऊपर चर्चा चल रही है सर। मैं एक रिपोर्ट लेकर आया हूं, अमर सेन साहब, प्रोफेसर जोसेफ स्टीग और जीन पॉल का, 2008 में फ्रांस के राष्ट्रपति सरकोजी साहब ने यह कमिटी बनाई। अमर सेन तो उन्हीं के, कांग्रेस के ही प्रवक्ता माने जाते हैं सर, लेकिन नोबेल पुरस्कार उनको मिला हुआ है, महान अर्थशास्त्री हैं। और इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में वही बातें कही जो साइमन कटलेज ने 1934 में कहा था कि जीडीपी जो है कोई पैमाना नहीं है इसका, और इसके कारण यूएन का कन्वेंशन हुआ 2011 में और उसके बाद ओएसीडी का अभी एक रिपोर्ट है जो इसी के नेतृत्व में चल रहा है। मैंने ये बात कही और मैंने बड़े प्रमाण के साथ ये बातें कही थी। जिसको जीडीपी मानना है वो जीडीपी मानेगा सर, जिनको हैप्पीनेस इंडेक्स मानना है, जिनको डेवलपमेंट मानना है, जिनको गांव गरीब किसान मानना है, लेकिन जिनको अमेरिका मानना है, मैं आपको बताऊं कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जिस आधार पर बना कि डॉलर और गोल्ड के आधार पर जो है कंट्रीज तय होगी, 1971 में आईएमएफ ने गोल्ड छोड़कर डॉलर की कन्वर्टिबिलिटी स्वीकार कर ली सर। मैंने अपनी सारी बातें तर्क के साथ रखी थी, लेकिन मेरी बातों को मीडिया ने, सोशल मीडिया ने खासकर, मुझे इतनी गाली दी गई, मेरे माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को, व्यक्तिगत तौर पर। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस तरह की जो घटना होती है ये सदन में बोलने के बाद, सोशल मीडिया को बैन करने के लिए या इस तरह की एक्टिविटी के लिए कानून बनाना चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है सर कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है उसके आधार पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके रोक के लिए आप एक कस्टोडियन के नाते, क्योंकि आप गार्जियन है हमारे संसद के और आप हमारे गार्जियन है, आपको इस तरह से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद।